सो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप इनफिनिक्स स्मार्ट 5 मोबाइल में किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हो, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इनको जो है यहाँ पर देख पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद नीचे मेनू का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो हाइड ऐप का ऊपर ऑप्शन दिख रहा है, तो हाइड ऐप पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ प्लस का आइकन आपको दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए आपके पास सारे के सारे ऐप आ जाएंगे। अब इनमें से जिस भी ऐप को आपको यहाँ पर हाइड करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर क्रोम को हाइड कर लिया हूँ, और भी आप हाइड कर सकते हो, जिसको भी चाहो यहाँ से हाइड कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपको बैक चले जाना है, और बैक जाने के बाद एक इम्पोर्टेंट सेटिंग आपको बता देता हूँ कि इसमें पासवर्ड कैसे लगेगा। तो यहाँ देखिए ऊपर सबसे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको सेट पासवर्ड का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसको आपको इनेबल करना है। जैसे आप इसको इनेबल करोगे तो यहाँ पर आपको अपना पैटर्न बना लेना है, जो भी रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ सिंपली डाल लेता हूँ, और फिर से आपको कन्फर्म कर देना है। ये करने के बाद आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर जो है सेट हो चुका है। दोस्तों, अब आपको हाइड ऐप को देखना कैसे होगा, आपको दो उंगलियों को जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ स्वाइप करना पड़ेगा आपके होम स्क्रीन पर। तो जैसे ही दो उंगलियों को एक साथ जो है ऊपर की तरफ आप स्वाइप करोगे तो आपके पास पैटर्न मांगा जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है पैटर्न डाल देना है अपना, और उसके बाद अपने हाइड ऐप को आप देख पाओगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हो और उसको देख सकते हो।